बीजेपी को हराने के लिए सभी पार्टियों से मिलाएंगे हाथ शिवपाल सिंह यादव। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए सभी पार्टियों से गठबंधन करने में कोई गुरेज नहीं है। संभल पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि भाजपा को हराने के लिए सभी पार्टियों को इकट्ठा कर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि यूपी में अपराध चरम पर है, बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है। बीजेपी को किसान विरोधी सरकार बताते हुए कहा कि सरकार ने किसानों को बर्बाद कर दिया, बढ़ती महंगाई पर भी सरकार के खिलाफ जमकर बरसे। और उन्होंने क्या क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए इस सरकार में महंगाई लगातार हर चीज पे बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल बिजली पर सभी चीजों पर, और यहाँ तक कि सरसों का तेल 200 रुपये किलो हो गया और हर रोज बढ़े बिजली का तो 1 साल में जाने कितनी बार बढ़े, और यहाँ तक कि पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली है। तो बहुत सही पूरे उत्तर प्रदेश की भी जनता, पूरे देश की जनता इस समय बहुत उत्सुकता से देखते हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, और भ्रष्टाचार के साथ साथ जो भी भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए, तो ये सरकार बिल्कुल विफल सरकार रही है। चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे मध्य की सरकार हो, पूरी तरह से विफल हुई है। तो इस समय हमने तो पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा शुरू कर दिया है 2022 के चुनाव की तैयारी, और हमने कहा है कि सभी समान विचारधारा की पार्टियाँ और सभी सेकुलर पार्टियाँ एक हो जाए। सपा को आगे चल के समर्थन देने का आपकी पार्टी, देखिए आरक्षण भी जो भी जितना भी देना है हर वर्ग के लोगों को देना चाहिए, हर वर्ग के लोग, कहीं पर भी किसी का भेदभाव नहीं करना चाहिए। अभी तो भेदभाव हो रहे हैं। समाजवादी को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से काम करें कि जो आपकी सरकार बन जाए समाजवादी की? देखिए मैंने तो समाजवादी और समाजवादी परिवार से भी अपने परिवार से भी मैंने लेकर सब चीजें छोड़ करके एक हो जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश और देश से हटाना चाहिए। असुद्दीन वैसी एक तंज कस रहे हैं कि भारत ने क्या तालिबानियों को चाय पिलाई, ये बयान किस नज़र से देखते हैं? देखिए मैं तो हमेशा चाय वाले को नहीं, अच्छा मैं तो हमेशा आतंकवाद के और समाजवादी में रहे, जब तक हमारी प्रगति से समाजवादी करती आतंकवाद के हमेशा बर्बरता के हमेशा खिलाफ रहे। चाय वाले कैसे देखते हैं कि भारत में तालिबान चाय जहाँ पर